Use the weekend to build the life you want, not to escape the one you have. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है और मैंने पिछले दिनों बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक संदेश मैंने पढ़ा, क्या कि वीकेंड का समय उपयोग कीजिए उसको बनाने के लिए जैसा आप लाइफ चाहते हैं, ना कि जो जीवन में है उसे भागने के लिए। तो जीवन दो प्रकार का होता है, एक वो जीवन जो हम जी रहे होते हैं, दूसरा वो जीवन जो मनचाही जिंदगी होती है। मनचाही जिंदगी सबका एक ख्वाब होता है, सब चाहते हैं मनचाही जिंदगी, लेकिन वो मनचाही जिंदगी मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी? तो एक बहुत बढ़िया कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनचाही जीवन जीने के लिए अवसर प्रकृति देती है, प्रकृति आयो कहे ईश्वर देती है। कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं और धीरे 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 उनका फायदा उठा करके अपनी मनचाही जिंदगी की तरफ बढ़ जाते हैं। मनचाही जिंदगी बात करें तो हमारे एक भविष्य का वो व्यक्तित्व भी होता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी मनचाही जिंदगी मतलब भविष्य का एक व्यक्तित्व है, भविष्य का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास सभी संसाधन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्रेरित कर सकूँ एक अच्छे लाइफ व्यतीत करने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सकारात्मक कर सकूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अवेयर कर सकूं, और ये मेरी भविष्य का व्यक्तित्व है। मैं कैसा रहूंगा, मेरे मेरी सोच कैसी रहेगी, मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे मित्र कैसे होंगे, मेरा सर्किल कैसा होगा, ये सब के सब मैंने प्लान कर रखे हैं। वो मेरी मनचाही जिंदगी है और हर व्यक्ति को मनचाही जिंदगी जीने का प्रकृति या ईश्वर एक बार अवसर देता है। कुछ लोग उस अवसर को पहचानते हैं और उस पर डे बाई डे कदम उठाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते रहते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं अपने आसपास, आप देखेंगे जो वर्तमान लाइफ को कोसते रहते हैं, जिस नौकरी को करते हैं उस नौकरी को कोसते रहते हैं, जिस लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों को कोसते रहते हैं, जो चीजें जो संसाधन उपयोग करते हैं उन संसाधनों को भी कोसते रहते हैं। चाहते हैं कुछ बड़ा लेकिन कोसने से कभी भी कुछ नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया एक कोटेशन है, इस कोटेशन को ध्यान से सुनने की जरूरत है कि जिनके पास है उसको और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनके पास है उसे और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है जो निकल के आता है कि अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, सफल व्यक्ति और सफल होगा, असफल व्यक्ति और असफल होगा। क्यों? इसमें तब तक की एक तड़का ना मिला दिया जाए। तड़का मतलब क्या है? एक फार्मूला है, एक सूत्र है जीवन में ज्यादा पाने का, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। आप देखेंगे हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लगातार डे बाय डे ग्रो करते हैं, तो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। और इस फार्मूले में सिर्फ एक चीज जोड़ने की जरूरत है, वो होती है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब क्या? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और मिलेगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी छीन लिया जाएगा। कृतज्ञता का उल्टा कृतघ्नता, यदि जो हमारे पास है हम उसको कोसते रहते हैं, जिस नौकरी से हमारा जीवन चलता है उस नौकरी से कोसते रहते हैं, जिन मित्रों के बीच में रहते हैं उसको कोसते रहते हैं, जो संसाधन गाड़ी चला रहे हैं खराब है तो उसको कोसते रहते हैं। ये कोसना बंद कर दीजिए। जो हमारे पास है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझको आपने इतना दिया है। जब हम उसके प्रति शुक्रगुजार होते हैं, देने वाले के प्रति, तो हमको और अधिक मिलता है। शुक्रगुजार होना मतलब और अधिक पाने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। वर्तमान जीवन जैसा हम जी रहे हैं उस जीवन के प्रति शुक्रगुजार होना और भी बड़े लाइफ होने के लिए तैयार करना होता है। यकीन मानिए मित्रों, आप देखिए जिस जीवन को आप जी रहे होंगे, पीछे मुड़ करके देखें, वो जीवन लाखों करोड़ों लोगों का सपना होगा, बहुत सारी चीजें सपना होगा लाखों करोड़ लोगों का। तो हम जीवन को जी रहे हैं क्या, यही क्या मतलब जो हमारे पास उपलब्धियां हैं वो क्या कम है क्या? यदि और ज्यादा उपलब्धियां पाने की इच्छा है तो उन उपलब्धियों के लिए सबसे पहले हमको शुक्रगुजार होना। इसके बाद और आप देखते हैं कि जो हम मनचाही जिंदगी
पाना चाहते हैं, जो हम भविष्य में सुख संसाधन इकट्ठा करना चाहते हैं, जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, जो भी इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रयासरत करना रहना पड़ेगा। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोग हमारे आपके आस पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो जिन जीवन भर समय को कोसते रहते, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय। समय की कमी कभी नहीं होती। ईश्वर ने एक मामले में सभी के साथ न्याय किया है। वो न्याय ये है कि सबको 24 घंटे का समय मिले, किसी को भी 25वां घंटा नहीं मिला है, चाहे मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अदानी हो, या मैं हूं, या आप। ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिया। अब हमारे जीवन में जो अच्छा या बुरा होगा, या हम जैसा बनेंगे, वो इसी 24 घंटे का उपयोग करके बनेंगे। तो अब आप देखिए, बहुत सारे लोगों को 10 बजे तक सोते हैं, ठीक है ना, समय सोशल मीडिया पर देते हैं, रील पर रील, रील पर रील, रील पर रील देखे जाते हैं, 1 मिनट बनता है। कब आपका रील देखने की आदत आपका घंटा लेके चली जाती है, पता नहीं चलता। और नहीं तो बैठते हैं घर पे, बेवजह का न्यूज चैनल लगा देते हैं, जहां पर केवल टॉक्सिक, केवल जहरीले बहस हुआ करते हैं। अब कहां जाता है हमारा जो समय होता है ना, जो हमारी लाइफ होती है ना, एक मोटरसाइकिल और गाड़ी की तरह होती है। मैंने गाड़ी का भी जिक्र किया कि गाड़ी आप लंबे समय तक चलाते रहिए, उसको ध्यान मत दीजिए, उसके अंजर प्लंजर बहुत सारी चीजें ढीले हो जाती है, कहीं से नट ढीला हो जाता है, कहीं से पुर्जा ढीला हो जाता है। जब हम उसको सर्विस सेंटर ले जाते हैं मैकेनिक के पास, वो मैकेनिक क्या करता है, कुछ ऑयल ग्रीसिंग कर देता है, कुछ उसकी नट बोल्ट कस देता है। जैसे ही कसता है, वो एकदम गाड़ी नई की तरह। हमारा जो समय है ना, उसी तरह से बिखरा हुआ है। उस समय को किसी मैकेनिक की जरूरत है, उस मैकेनिक को जरूरत है उसको नट बोल्ट कसने की जरूरत है। वो कसेंगे तो आपको समय निकालना शुरू हो जाएगा। और जो समय बचे, उस समय का सदुपयोग करना है अपनी मनचाही जिंदगी को पाने के लिए। समय कौन सा मिलेगा, अवकाश के दिन। भाई आप जो भी नौकरी पेशा करते हैं, मान लीजिए नौकरी करते हैं, तो नौकरी में तो छुट्टियां होती ही होती हैं। यदि आप तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी आप देखिए, आपका हर मार्केट में कोई ना कोई एक साप्ताहिक बंदी होती है, आप उस समय का उपयोग करिए। मतलब जिन जिन समयों में लोग मौज मस्ती करते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, बढ़िया बढ़िया होटल रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं, उन समयों को आप अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए उपयोग करें। आप देखिए कैसे जीवन बदलता है। और आप जो भी इस छुट्टियों के दिन में अपने जो भी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को आप देखिए कि आप मनचाही जिंदगी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप देखिए देखिए आप कहां जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं। यदि जा रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ते जाइए, नहीं तो अपनी मनचाही जिंदगी बिता रहे हैं। इसी समय का उपयोग करिए, नट बोल्ट से कसिए, समय बचाइए, समय का सदुपयोग करिए। दोबारा समय नहीं मिलेगा। समय के बारे में बहुत अच्छा चीज कहा जाता है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। समय ही एक ऐसी चीज है जो पुनः जो चली जाती है तो फिर मिलती नहीं। आप मनचाही जिंदगी पाने के लिए समय का सदुपयोग करिए। मनचाही जिंदगी क्या हो सकता है, आप चाहेंगे तो स्मार्ट पतले होना, अपने वजन कम करना चाहते हैं वजन कम कर सकते हैं, अपने हेल्थ को आइडियल रखना चाहते हैं हेल्थ को रख सकते हैं, अपने ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं पैसा कमा सकते हैं, एक पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं वो पर्सनालिटी नहीं, एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। मतलब जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं, अपनी छुट्टियों का प्रयोग उस समय के लिए करिए। यकीन मानिए, जीवन कैसे बदलता है पता नहीं चलता। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।